मुझे करोना के लिए मिला है बेस्ट कंटिन्यूइंग अवार्ड, रिपोर्टर्स बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड फॉर कंटिन्यूइंग कवरेज ऑन करोना, इस के लिए मुझे मिला है। और मुझे इसलिए बहुत गर्व है इस अवार्ड पर, क्योंकि एक तो कंटिन्यूइंग जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब ये है, क्योंकि ज़िंदगी में और पत्रकारिता में सिर्फ एक चीज़ जो स्थिर है वो है चेंज, परिवर्तन। और आप लगातार कंटिन्यूइंग कवरेज किसी चीज़ का करते हैं, मतलब आप गिव अप नहीं करते, इसलिए मुझे एक ये रीज़न है। और दूसरा करोना, ये अवार्ड मेरे उन तमाम कोलीग्स के लिए है जिन्होंने करोना में अपनी जान गंवाई। मेरे कई साथी थे, दूसरे चैनल के कैमरा पर्सन्स थे जिन्होंने बड़ी मशक्क़त की, कई लोगों ने अपनी जान खोई हमारे साथ। मॉर्चरी से लेकर शमशान घाट तक कई कैमरा पर्सन्स गए, और कई रिपोर्टर्स जो मुझसे ज़्यादा यंग थे वो आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो करोना वायरस में कवरेज कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड उनके लिए है, और ये अवार्ड उस व्यक्ति के लिए है जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है। मैंने देखा कि किस तरह से इस त्रासदी में लोग 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर तक गए, और छोटे छोटे बच्चे। ये अवार्ड उन लोग के लिए है कि अगर मैं उनकी त्रासदी की कुछ झलकियाँ देश के सामने रख सकी, तो मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य सार्थक था। यह अवार्ड उनके लिए है, और यह अवार्ड मेरे 4 साल के बच्चे के लिए है, जिसने बोला, मम्मा मैं आपके लिए चॉकलेट लेके घर पे वेट कर रहा हूँ। यह अवार्ड आज तक की पूरी टीम के लिए, थैंक यू। और एनबा मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि एनबा में ये मेरा पहला अवार्ड नहीं है। मुझे स्पॉट रिपोर्टिंग के लिए पहले भी अवार्ड मिला था, और एनबा इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ना सिर्फ इसका देश में नाम है, बल्कि जो उसकी जूरी है वो बहुत ही एक वरिष्ठ जूरी है और बहुत सोच समझ के अवार्ड देती है। इसलिए मुझे लगता है कि एनबा को मेरी तरफ से सलाम।